नमस्कार, मैं हूं मिली त्रिवेदी और हम कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज में जो वार्तालाप हुआ था वो पढ़ रहे हैं। इनकी बातों से हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर उस परम तत्व को समझने की कोशिश कर पाए तो अच्छा है। ये बात किस तरह से है कि हमारे पास कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी चीज है जिसे जो फिजिकल नहीं है, जिसे जानने के लिए हमें नॉन फिजिकल स्टेट में जाना होगा और जो हमारे लिए शायद इस जन्म में तो नामुमकिन जैसा है। पर आपको ये सुनकर शायद अच्छा लगेगा कि हम उस स्टेट में रोज जाते हैं। हाँ, हम हमारे नॉन फिजिकल स्टेट में रोज जाते हैं, जिसे कहा जाता है स्वप्न में। हम सपने की दुनिया में अक्सर जाते हैं, हर रोज जाते हैं, रात को जाते हैं। और अगर हम नींद हमारी बड़ी गहरी होती है तो हम कहते हैं हम बहुत फ्रेश हो गए, क्योंकि वहां पर जो हमारा स्टेट है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी को क्योर कर देता है। इसके बारे में बात हम आगे करेंगे, काफी उपनिषदों में इसके बारे में भी लिखा है। अब यहाँ पर इस कहानी को शुरू करते हैं। नचिकेता के कई सवालों में से एक सवाल ये भी था, जिसे कहा जाता है परम तत्व या परम ब्रह्म। तो अब देखते हैं यमराज इसका क्या जवाब देते हैं। यमराज ने कहा, जो परमेश्वर तप अर्थात संकल्प से और प्राणों से भी पूर्व विद्यमान था, उस अंतःकरण में प्रविष्ट होकर रहने वाले पंचभूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है और सदा उसी के ध्यान में मग्न रहता है, वही यह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब परमेश्वर तप, परमेश्वर को कहा है तप और संकल्प। आपने देखा होगा काफी लोग व्रत वगैरह करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग दो टाइम खाना खाते हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं भी है जिसमें शाम को खाना वर्जित बोला है। तो ये सब क्या है? कुछ लोग रात्रि जागरण करते हैं, कुछ अपनी नींद को पूरी जागृत अवस्था में बिताते हैं। इन सभी चीजों को तप कहा जाता है। आजकल खैर तप की रीत बदल गई है, उपवास मतलब भूखे रहने की बात होती है तो लोग दूसरा कुछ खाकर अपना पेट भर ही लेते हैं। ओरिजिनली तप का अर्थ ये नहीं था, ओरिजिनली तप का अर्थ ये था कि हम खाएं ही ना, हम भूखे रहें, थोड़ा आराम दे अपने शरीर को और उस कंडीशन में अपने शरीर को अपने मन को जानने की कोशिश करें। अब ये जो हमारा परमात्मा है वो हमारे शरीर में पूर्व विद्यमान है ही, जो अंतःकरण में है, अंतःकरण। अब ये अंतःकरण मतलब अंतः मतलब अंदर की तरफ, करण मतलब जो कारण है। कारण क्या है? आपने कभी सोचा है अंतर का कारण क्या है? हम ये जो बार बार पैदा होते हैं उसका कारण क्या है? तो ये अंतःकरण में ये परमात्मा प्रविष्ट होकर रहने वाले कौन रहते हैं अंतःकरण में? पंचभूत, पंच महाभूत किसे कहते हैं? पंच महाभूत अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश पंच महाभूत के साथ रहते हैं। मतलब जब भी हम हमारे विचारों से उलझे रहेंगे, अगर हम इन विचारों को ही सच मानते रहेंगे, अगर हम इस जीवन को ही सच मानते रहेंगे तो हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। अब आगे देखते हैं। जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखंडनीय बुद्धि शक्ति है, जिससे भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है, वह प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। वह भौतिक शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है। उस अंतःकरण में रहने वाली शक्ति जो मनुष्य जान पाता है वही उस ब्रह्म के विषय को जान सकता है। मैं यहाँ पर इस चीज को मैं कोट करूंगी, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी चीज को मान लेते हो, आजकल के धर्म गुरु हमें सिर्फ मानने के लिए बोलते हैं कि मान लो अगर ऐसा है, मान लो क्योंकि मैं कहता हूँ, मान लो। यहाँ मानने की बात नहीं है। स्वयं यमराज भी नचिकेता को ये कहते हैं, जो मनुष्य जान पाता है या जान लेता है, मनुष्य मानता नहीं है। हमारे यहाँ पे तो सारी चीजें मान्यताओं पे चलती है। इसका अर्थ यही है कि जो हमारी ओरिजिनल धरोहर है ना, हमारी संस्कृति की धरोहर,
हम उसे छोड़ चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखंडनीय बुद्धि शक्ति है, बुद्धि शक्ति को हमेशा अखंड बोला गया है। ये बुद्धि क्या है? तो ये बुद्धि है सारथी, हमारे शरीर का सारथी। और मन क्या है? घोड़ों की लगाम। और घोड़े क्या है? इंद्रियां। अगर इसके बारे में जानना हो तो आपको मेरे आगे वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। और जो भी उस भगवान के स्वरूप को जानता है, अब वो भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकता है? सिंपली प्राणायाम से। अब ये प्राणायाम क्या है? अगर आपने सुना होगा तो महर्षि पतंजलि ने हमें ये बताया है कि प्राण के 8 आयाम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। अब यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, माफ करिएगा मैं प्रत्याहार भूल गई थी। अब यम, हमें यम का पालन करना पड़ेगा। यम का सीधा सा मतलब ये होता है झूठ ना बोलना। नियम, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम यम और नियम का पालन करते हैं तो क्या होगा? तो हम उसके बाद में आगे जाके आसन को साध सकते हैं। अब ये किसी शारीरिक आसन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मन के आसन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब आसन को आप साध लोगे तभी जाके आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणों का आयाम, अभी जो बताया जाता है प्राणायाम या शारीरिक योग अभ्यास बताया जाता है, उसमें जो हम सांसों पे ध्यान देते हैं वो ओरिजिनली प्राणों पे ध्यान देना नहीं है, वो ओरिजिनली सिर्फ श्वासों का एक्सरसाइज है। प्राण का आयाम करने के लिए, प्राणों को साधने के लिए सबसे पहले प्राण को समझना बहुत जरूरी होता है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। शायद आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इन्हीं प्राणों से, इन्हीं प्राण के आयाम के अभ्यास के बाद, मतलब सबसे पहले तो हमें यम को पार करना पड़ेगा, फिर नियम, फिर आसन, उसके बाद का स्टेज आता है प्राणायाम। ध्यान, धारणा और समाधि तो बाद में आता है। आगे देखते हैं। वह परमेश्वर इस संसार में उसी प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त है जैसे अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है। वह तेजोमय ब्रह्म अप्रमादी और ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय ही यही वह परमात्मा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वह परमेश्वर संसार में गुप्त तरह से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है। इसका अर्थ क्या है? जैसे लकड़ी है, दोनों लकड़ियों को बहुत ज्यादा स्पीड में अगर रगड़ा जाए तो उसमें से अग्नि निकलती है। अब लकड़ी है, अगर लकड़ी को देखेंगे तो हमें लगेगा इसमें कहाँ अग्नि है, पर हाँ, अग्नि उसमें छुपी रहती है। बिल्कुल उसी तरह से, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि जंगलों में लकड़ियां एक दूसरे से टकराती है और घिसती है और अग्नि उत्पन्न हो जाती, आग लग जाती है। तो जिस तरह से अग्नि इस लकड़ी में छुपी रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर इस संसार में रहता है, हमेशा होता ही है। तेजोमय ब्रह्म अप्रमादी और ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। और यही जो ब्रह्म है जिसका तेज बहुत ज्यादा है, वही स्तुति करने योग्य है। स्तुति का मतलब प्रार्थना नहीं, स्तुति का मतलब स्तुति, इति मतलब अस्तु की इति मतलब खुद को जानना, उसी को कहा जाता है स्तुति करना। निश्चय ही वह परमात्मा है, जो जान लेता है वो स्वयं परमात्मा है। शायद इसीलिए हमने राम और कृष्ण को भगवान कहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को जान लिया था। जिन परमेश्वर के प्रबल प्रताप से सूर्य उदय होता है और प्रलय के समय जिनमें अस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ जिनके आधार से खड़े हैं और कोई भी पदार्थ जिनके नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, उन्हीं को ब्रह्म जानना चाहिए, जिसके विषय में तुमने पूछा था। मतलब ये नचिकेता पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म की हर वो चीज जो यम बता सकता है वो उनको बता रहे हैं। मतलब जिससे सूर्य उदय होता है,
जैसे अस्त हो जाता है, जो भी पदार्थ हैं, जो जिनके आधार से खड़े हैं, मतलब ये चीजें ऐसी है कि हम सोच नहीं सकते। पदार्थ का आधार अगर साइंस की लैंग्वेज में पूछा जाए तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट ओरिजिनली हमें कुछ भी नहीं पता है। मतलब जो चीज नहीं है, जिसे बुद्ध कहते थे अनत्ता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, जो कुछ भी नहीं वो उस परम ब्रह्म को जान सकता है। तो यहां पर भी इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जो ईश्वर यहाँ है वही सूर्यादि लोक में भी है, जो सूर्यादि लोक में है वही ईश्वर यहाँ पे भी है। मतलब एक चीज ये कही गई है कि जो बेसिक मैटर जो है वो इक्वल है हर जगह। जो मनुष्य उस एक अखंड परमात्मा को अनेक मानता है और जो यह समझता है कि ईश्वर अनेक है, वह जन्म मरण के बंधन में ही उलझा रहता है, अर्थात उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मतलब जो हर चीजों में अलग ढूंढता रहता है कि हर एक चीज दूसरी चीज से अलग है, पर ओरिजिनली ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कई साधुओं के बारे में सुना है जो पत्थर को लात मार के सोना बना सकते थे, मतलब करते और कुछ भी नहीं थे, बस उनका मैटर चेंज कर देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोना उस पत्थर में बहुत अल्प मात्रा में ही सही पर मौजूद होता था। बस यही है कि उस परमात्मा को वो बाहर ले आते हैं, जैसे ऋषि मुनि पत्थर में से सोना ले आते हैं। आगे देखते हैं, वह ब्रह्म केवल मन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। उस ब्रह्म में अनेक तत्व है ही नहीं, अर्थात वह अखंड और एक रस है। जो मनुष्य उस अखंड परमात्मा को अनेक मानता है, वह सदा मृत्यु के मुख में ही पड़ा रहता है। अर्थ सिर्फ इतना है कि आप हर एक चीज में उस परमात्मा को देखो, उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो, हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को चेतन या अचेतन समझने की कोशिश करो। बस यही कहना चाहते हैं यम इनको। अब आगे का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट में ले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी कमेंट से इस वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। थैंक यू सो मच।